शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तौसीन, ये कुरान यानी किताब रोशन की आयतें हैं, मोमिनों के लिए हिदायत और बिशारत है वो जो नमाज पढ़ते और जकात देते हैं और वो आखिरत का भी यकीन रखते हैं। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके आमाल उनके लिए आरास्ता कर दिए हैं तो वो भटकते फिर रहे हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और वो आखिरत में भी बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। और तुमको ये कुरान उस हकीम अलीम की तरफ से अता किया जाता है। जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहां से रस्ते का पता लाता हूं या कोई शोला यानी एक अंगारा तुम्हारे पास लाता हूं ताकि तुम आग तापो, जब मूसा उसके पास आए तो निदा आई कि वो जो आग में तजल्ली दिखाता है बाबरकत है और वो जो आग के इर्द गिर्द है, और अल्लाह जो तमाम आलम का परवरदिगार है पाक है। ए मूसा, मैं अल्लाह हूं इज्जत वाला हिकमत वाला, और अपनी लाठी डाल दो। सो जब उसे देखा तो इस तरह हरकत कर रही थी गोया सांप है, तो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर न देखा। फरमाया, ए मूसा डरो मत, मेरे पास पैगंबर डरा नहीं करते। हां, जिसने जुल्म किया फिर बुराई के बाद उसे नेकी से बदल दिया तो मैं बख्शने वाला मेहरबान हूं। और अपना हाथ अपने गरीबान में डालो, बेऐब सफेद रोशन निकलेगा। इन दो मोजिजों के साथ जो नौ मोजिजों में दाखिल हैं, फिरौन और उसकी कौम के पास जाओ कि वो बदकिरदार लोग हैं। फिर जब उनके पास हमारी रोशन निशानियां पहुंची तो कहने लगे, ये खुला जादू है, और बेइंसाफी और गुरूर से उनको मानने से इनकार किया जबकि उनके दिल उनको मान चुके थे। सो देख लो कि फसाद करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म बख्शा और उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी। और सुलेमान दाऊद के कायम मकाम हुए और कहने लगे कि लोगों, हमें अल्लाह की तरफ से परिंदों की बोली सिखाई गई है और हर चीज इनायत फरमाई गई है, बेशक ये उसका खास फजल है। और सुलेमान के लिए जिन्नों और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए और फिर उनकी जमातें बनाई गईं। यहां तक कि जब चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा कि चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुमको कुचल डालें और उनको खबर भी ना हो। तो वो उसकी बात से हंस पड़े और कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे तौफीक इनायत कर कि जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। और जब उन्होंने परिंदों का जायजा लिया तो कहने लगे, क्या सबब है मुझे हुदूद नजर नहीं आता, क्या कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या जबा कर डालूंगा या मेरे सामने अपनी बेकसूरी की वाजे दलील पेश करे। अभी थोड़ी देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास मुल्क सभा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूं। मैंने एक औरत देखी कि उन लोगों पर हुकूमत करती है और हर चीज उसे मुयस्सर है और उसका एक शानदार तख्त है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर आफताब को सजदा करती हैं, और शैतान ने उनके आमाल उन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको रस्ते से रोक रखा है, बस वो रस्ते पर नहीं आते और नहीं समझते हैं कि अल्लाह को जो आसमानों और जमीन में छुपी चीजों को जाहिर कर देता और तुम्हारे पोशीदा और जाहिर आमाल को जानता है, क्यों सजदा न करें? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। क्योंकि आयत सजदा तिलावत की गई है लिहाजा सामईन पर सजदा वाजिब है। सुलेमान ने कहा, अच्छा हम देखेंगे तूने सच कहा है या तू झूठा है, ये मेरा खत ले जा और इसे उनकी तरफ डाल दे, फिर उनके पास से हट जाना और देखना कि वो क्या जवाब देती हैं। मलिका ने कहा कि दरबार वालों, मुझ तक एक नामा गरामी पहुंचाया गया है, वो सुलेमान की तरफ से है और मजमून ये है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, बाद इसके ये कि मुझसे सरकशी ना करो और मुतियो फरमाबरदार होकर मेरे पास चले आओ। खत सुनाकर कहने लगी कि ऐ अहले दरबार, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, जब तक कि तुम हाजिर न हो और सलाह न दो मैं किसी काम का फैसला नहीं किया करती।
وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے تو جو حکم دیجئے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجئے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ پس جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔ ان کے پاس واپس جاؤ، اب ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔ پھر جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔ اور وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا کہ وہ کافروں میں سے تھی۔ اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا کہ اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو، اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر تھے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتی ہیں، اور وہ ایک چال چلے، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا، اب ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے سبب تلپٹ پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، اور ہم نے ان پر مے برسایا، سو جو مے ان لوگوں پر برسا جن کو متنبہ کر دیا گیا تھا برا تھا۔ کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جس کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا اللہ بہتر ہے
या वो जिनको ये उसका शरीक बनाते हैं? भला किसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और किसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया? फिर हमने उससे सरसब्ज बाग उगाए, तुम्हारा काम तो न था कि तुम उनके दरख्तों को उगाते, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? हरगिज नहीं, बल्कि ये लोग रस्ते से अलग हो रहे हैं। भला किसने जमीन को करारगाह बनाया और उसके बीच नहरें बनाई और उसके लिए पहाड़ बनाए, और किसने दो दरियाओं के बीच ओट बनाई? यह सब कुछ अल्लाह ने बनाया, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रखते। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशीन बनाता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता, और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, ये लोग जो शिर्क करते हैं अल्लाह की शान उससे बुलंद है। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। कह दो कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं, अल्लाह के सिवा गैब की बातें नहीं जानते, और न ये जानते हैं कि कब जिंदा करके उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बारे में उनका इल्म खत्म हो चुका है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये उससे अंधे हो रहे हैं। और जो लोग काफिर हैं कहते हैं कि जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम फिर कब्रों से निकाले जाएंगे? ये वादा हमसे और हमारे बाप दादा से पहले से होता चला आया है, कहां का उठना और कैसी कयामत? ये तो सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि गुनाहगारों का अंजाम क्या हुआ है, और उनके हाल पर गम न करना, और न उन चालों से जो ये कर रहे हैं तंग दिल होना। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा? कह दो कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी कर रहे हो, शायद उसमें से कुछ तुम्हारे नजदीक आ पहुंचा हो, और तुम्हारा परवरदिगार तो लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। और जो बातें उनके सीनों में पोशीदा होती हैं और जो काम वो जाहिर करते हैं, तुम्हारा परवरदिगार उन सबको जानता है। और आसमान और जमीन में कोई पोशीदा चीज नहीं है मगर यह कि वो एक किताब रोशन में लिखी हुई है। बेशक ये कुरान बनी इसराइल के सामने अक्सर बातें जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं बयान कर देता है, और बेशक ये मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। तुम्हारा परवरदिगार कयामत के रोज उनमें अपने हुक्म से फैसला कर देगा, और वो गालिब है, इल्म वाला है। तो अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम तो साफ हक पर हो। कुछ शक नहीं कि तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते, और न बहरों को जबकि वो पीठ फेर लें आवाज सुना सकते हो, और न अंधों को गुमराही से निकालकर रास्ता दिखा सकते हो। तुम तो उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, फिर वो फरमाबरदार हो जाते हैं, और जब उनके बारे में अजाब का वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा। ये हम इसलिए करेंगे कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। और जिस रोज हम हर उम्मत में से एक बड़े गिरोह को जमा करेंगे जो हमारी आयतों की तकजीब करते थे, फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी, यहां तक कि जब सब आ जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को झुटला दिया था, हालांकि तुमने अपने इल्म से उनका इहाता तो किया ही ना था। भला तुम क्या करते रहते थे? और उनके जुल्म के सबब उनके हक में वादा अजाब पूरा होकर रहेगा तो वो बोल भी ना सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को इसलिए बनाया है कि उसमें आराम करें, और दिन को रोशन बनाया है कि उसमें काम करें? बेशक इसमें मोमिन लोगों के लिए निशानियां हैं। और जिस रोज सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों में और जो जमीन में हैं सब घबरा उठेंगे, मगर वो जिसे अल्लाह चाहे, और सब उसके पास आजिज होकर चले आएंगे। और तुम पहाड़ों को देखते हो तो ख्याल करते हो कि मजबूत जमे हुए हैं, मगर वो उस रोज इस तरह उड़ते फिरेंगे जैसे बादल। ये अल्लाह की कारीगरी है
जिसने हर चीज को मजबूत बनाया, बेशक वो तुम्हारे सब अफाल से बाखबर है। जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर बदला तैयार है, और ऐसे लोग उस रोज घबराहट से बेखौफ होंगे, और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग औंधे मुंह दोजख में डाल दिए जाएंगे। तुमको तो उन्हीं आमाल का बदला मिलेगा जो तुम करते रहे हो। कह दो, मुझको यही इरशाद हुआ है कि इस शहर मक्का के मालिक की इबादत करूं जिसने इसको मोहतरम बनाया है, और हर चीज उसी की है, और मुझे यह भी हुक्म हुआ है कि मैं फरमाबरदार रहूं, और यह भी कि कुरान पढ़ा करूं। अब जो शख्स राह रास्त इख्तियार करता है तो अपने ही फायदे के लिए इख्तियार करता है, और जो गुमराह रहता है तो कह दो कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूं, और कहो कि अल्लाह का शुक्र है, वो तुमको अनकरीब अपनी निशानियां दिखाएगा तो तुम उनको पहचान लोगे, और जो काम तुम करते हो तुम्हारा परवरदिगार उनसे बेखबर नहीं है।